अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अच्छा भाई, इंस्टाग्राम पर आजकल काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनमें एक कॉमन क्वेश्चन ये आ रहा है मेरे पास कि भाई हमें एक हाउस प्लांट ग्रो करना है, जो कि वाइन प्लांट होना चाहिए, ट्रेलिंग प्लांट होना चाहिए, कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो जब मैं उनको बताता हूँ मनी प्लांट, सिंगोनियम, पर्पल आर्ट वगैरह वगैरह, तो वो कहते हैं भाई ये तो सारे हमारे पास अवेलेबल हैं, आप कोई ऐसा यूनिक प्लांट बताएं जिसको हम ईजिली जो है वो ग्रो भी कर सकें और प्रोपगेट भी कर सकें। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मेरे पास अभी सामने आया है वो है ये होया प्यूबिक एलिक्स स्प्रैश। होया की एक बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, 50 से ज़्यादा जो है वो होया की वैराइटीज़ मौजूद हैं। तो ये जो सबसे बिगनर लेवल की अगर मैं बात करूं और सबसे कॉमन जो है वो होया की बात करूं, तो ये प्यूबिक एलिक्स स्प्लैश है। मुझे जो होया के अंदर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो इसके फ्लावर्स होते हैं, उस पर भी खैर बात करते हैं, लेकिन होया के बहुत सारे ऐसी वैराइटीज़ अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो तीन होया मौजूद हैं। एक होया प्यूबिक एलिक्स स्प्लैश है, एक होया कॉर्नोसा ट्राइकलर है और एक होया कैरी है। ये थोड़ा सा जो है वो चीप है और होया कॉर्नोसा जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव और रेयर है। खैर ये रेयर तो अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के अंदर तो ये भी रेयर है, बहुत सारी नर्सरीज के अंदर ये मिलता ही नहीं है, बहुत ही लिमिटेड जगह पर जो है वो ये अवेलेबल होता है, लेकिन होया कॉर्नोसा अभी भी जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेयर है। खैर होया कैरी मुझे मुफ्त में मिला था, प्लांट एक्सचेंज स्वाइप किया था हमने। तो जितना मज़ा रेयर वाले को ग्रो करने में आता है उतना ही यूनिक और एक नया एक्सपीरियंस होता है इसको ग्रो करने के लिए। तो अगर आप बिगनर लेवल पे बात करेंगे और होया को आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं, होया का कलेक्शन आप अपने पास जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, तो होया प्यूबिक एलिक्स का जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये बहुत ही ईजीली आप ग्रो कर सकते हैं, ईजी टू ग्रो है, ईजी टू केयर है, ईजी टू प्रोपगेट है, तो आप बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसको वैक्स प्लांट भी कहते हैं। वो वैक्स प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ये जो शाइनी ग्लॉसी लीव्स होते हैं, यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी इसके ऊपर मिट्टी आई हुई है इसलिए ज़्यादा शाइनी नहीं लग रहे। खैर तो इनके जो ये लीव्स होते हैं ये सकुलेंट्स की तरह होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है वो टेक्स्चर होता है। इसके ऊपर जो ये स्प्लैश है, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आपको मैं जूम करके दिखा सकूँ तो इसमें जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत इसके ऊपर वाइट कलर का स्प्लैशेज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो खैर यहाँ पर बात करेंगे इसके, मुझे जो सबसे चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है होया कि वो होते हैं इसके फ्लावर्स, क्लस्टर होता है फ्लावर्स का, वो डिफरेंट कलर्स का होता है। अगर मैं बात करूँ प्यूबिक एलिक्स की भी तो इसकी अभी मैं वैरायटी आपको नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली ये कौन सी है, क्योंकि ये डिपेंड करती है इनके जो फ्लावर्स के कलर्स होते हैं उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी ये जो है वो वैरायटी मौजूद होती है। खैर मैं अभी बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ इनके फ्लावर्स का, क्योंकि जो इनका क्लस्टर्स होता है वो जो गुच्छा होता है पूरे फूलों का, स्टार शेप का जो है वो फ्लावर्स होते हैं, यहाँ पर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ पिक्चर्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखें अगर आप, तो 30 तकरीबन जो है वो फ्लावर्स लगते हैं एक क्लस्टर के अंदर और बहुत ही ज़बरदस्त इसके रात के अंदर जो है वो तकरीबन ज़्यादा खुशबू जो है वो रात में होती है और तकरीबन कहते हैं कि जी 14-15 दिन तक जो है वो ये खुशबू रहती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इसको किस तरह से जो है वो हम केयर कर सकते हैं इसकी, जस्ट इनडायरेक्ट इसको लाइट चाहिए, ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए। पानी आपको सिंपल मैं बता चुका हूँ कि जब इसकी मिट्टी आपको ड्राई लगे तब आपने इसको जो है वो पानी देना है। ह्यूमिडिटी इनको पसंद है, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा हो सके मॉडरेट लेवल की ह्यूमिडिटी आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं और इसको प्रोपगेशन इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है। देखिए जो इसके ये ट्रेंडल्स होते हैं, ये ट्रेंडल्स जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं और इनको हम लीव कटिंग और स्टेम कटिंग के जरिए दोनों तरीकों से जो है वो इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। और ये ट्रेंडल्स होते हैं जो बेसिकली इनके वाइन के तौर पे, जिसको हम बेल कहते हैं, तो ये बेल की तरह जो है वो बढ़ते जाते हैं और जो भी इनको चीज़ मिलती है ये उसको वहाँ पर शुरू हो जाते हैं ग्रो होना और उसको चिपकना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से जो है वो ये इसका साइज़ जो है वो ग्रो होता रहता है। तो खैर इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं ताकि आप भी इसको ग्रो करें और इसको प्रोपेगेट करें और बहुत ईजीली आप इसको इनडोर के अंदर जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे प्रोपेगेट करते हैं इसको। अच्छा जी, होया को प्रोपेगेट करने के वैसे तो दो तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं स्टेम कटिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। और जिस तरह से अगर मैं ये प्लांट आपको दिखा सकूँ, इसके एंड में जो है वो यहाँ पर इस तरह से टेंड्रिल्स मौजूद होते हैं और कहते हैं कि एक मैच्योर प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स निकलते हैं वो भी यहीं से निकलते हैं। तो खैर वो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो टेंड्रिल्स जिसमें से फ्लावर्स निकलने होते हैं, तो यहाँ पर भी इस तरह का कोई सीन नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से जो है वो इसको कटिंग करूँगा और यहाँ से स्टेम कटिंग करके इसको प्रोपेगेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कटिंग जो है वो एक ले ली है और यहाँ पर मल्टीपल जो है वो हम इसकी कटिंग्स बनाएंगे। तो यहाँ से देखें ये जो लीव्स हैं इसके ऊपर से थोड़ा सा हम कट कर देंगे, तो इसके जो नीचे वाला पोर्शन है वो जाएगा पानी में, पानी के अंदर जो है वो हम इसे प्रोपेगेट करेंगे। और होया को बेस्ट जो ऑप्शन होता है प्रोपेगेट करने का वो पानी का होता है। तो इसी तरह से मैं ग्लास ट्यूब के अंदर जो है वो पानी फिल करके मैं इनके अंदर जो है वो कटिंग्स लगा देता हूँ ताकि ये जो भी इनकी जो पोजीशन है वो हमारे सामने आती रहे। अब यहाँ पर देखें ये कुछ कटिंग्स मैंने पुरानी जो है वो लगाई हुई थी और अब ये देखें माशाल्लाह से इनको तो कोई तकरीबन महीने से ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर इनकी जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो
माशाल्लाह से रूट्स निकल आई हैं, और बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप देखें कि रूट्स निकल आई हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक उनको पानी में ना रहने दें, क्योंकि फिर वो वाटर अडाप्ट कर लेती हैं, तो उनको वही इन्वायरमेंट चाहिए होता है और उसी के अंदर फिर वो ग्रो करना ज़्यादा पसंद करती हैं कटिंग्स। तो यहाँ पर मैं अब इनको, क्योंकि इनफ रूट्स हो चुकी हैं, अब इनको हम सॉइल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो मैंने पॉट के अंदर सिंपल पॉटिंग सॉइल ले लेनी है, कोई स्पेशल सॉइल नहीं है। मैं अक्सर जो है वो सिंपल सॉइल ही यूज़ करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि गार्डनिंग को आसान बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना। तो जो काम इसके अंदर हो सकता है वो हमने इसी के अंदर करना है, ठीक है, सॉइल का होता है, लेकिन जो काम हो सकता है वो हम उसके अंदर ही करेंगे। तो यहाँ मैंने पानी जो है वो दे दिया है, और इस तरह से हमारा ये पॉट रेडी हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।